हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसेंचर की तरफ से आई बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज होने वाली है क्योंकि एसेंचर ने न्यू ज्वाइनिंग डेट अनाउंस कर दिए, रिलीज कर दिए। ओके, तो ये मेल कौन से रोल के लिए आया है, कौन से रोल कैंडिडेट्स को हायर किया जा रहा है, ओके, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप सभी को पता है एसेंचर की हायरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा डिले हो रही है। ओके, काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है, डॉक्यूमेंट सबमिशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, पर अभी तक की उनको ज्वाइनिंग डेट रिलीज नहीं हुई है। तो अभी भी आप का कंफर्मेशन नहीं है कि आप एसेंचर की ज्वाइनिंग आपको कब आएंगी कब नहीं आएंगी। तो मैं रेगुलर आप सभी के लिए जॉब अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। आप जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है उन अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाइस बहुत बार ऐसा होता है इन्फोसिस में अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि 1.5 से 2 इयर्स तक के वेट कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक के कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आया है। ओके, तो आप भी एसेंचर भी ऐसा कर सकता है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज जो आती है आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूँ, उसमें अप्लाई कीजिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स है, इसलिए मैं रेगुलरली अपडेट भी नहीं कर रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज डालता हूँ आप सभी के लिए, पर आप उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। गाइज आप सभी को लगता होगा ये बहुत छोटी सी चीज है, बस आप एक क्लिक करते हो और वीडियो लाइक हो जाता है, आप एक क्लिक करते हो और शेयर हो जाता है, पर हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर करने पर अगर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो ही मैं आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स आप सभी को दे पाऊंगा। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ आप लाइक कर दीजिए करें, ओके, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे भी गाइस लगे कि हाँ आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं, आप शेयर कर रहे हो, तो मैं और ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करूंगा वीडियोस। ओके, तो बस एक रिक्वेस्ट है, ओके, क्योंकि अभी बिल्कुल भी चैनल पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके, आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आप सभी के लिए और ज्यादा एफर्ट्स करूंगा। ओके, तो हम बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक है एसेंचर न्यू ज्वाइनिंग डेट। तो गाइस एसेंचर ने न्यू ज्वाइनिंग डेट अनाउंस कर दी है, जो कि है 7th of February की। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हम बात करेंगे कैंडिडेट्स जिनको ये ज्वाइनिंग डेट मिली है उनका इंटरव्यू डेट क्या है, कौन से रोल के लिए वो बिलोंग करते थे, एंड गाइस कोई जनवरी की ज्वाइनिंग के लिए कोई अपडेट है या नहीं है। ओके, तो इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो गियर अप फॉर डे वन एट एसेंचर गुरुग्राम 7th February 2024। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7th February 2024 की ज्वाइनिंग होने वाली है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल्स देखने मिल जाती है, जैसे आपको ज्वाइनिंग मेल आता है, ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स मेल आता है, ओके, तो वो आता है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टू कैरी ओरिजिनल पैन कार्ड विद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आप सभी के लिए। ओके, एंड ये आपको ज्वाइनिंग डेट का प्रूफ तो मिल गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पूरी अपडेट कि जो कैंडिडेट थे उन्होंने 27th of July को अप्लाई किया था इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, आप देख सकते हो 27th of July को अप्लाई किया जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके बाद 4th of August को उनका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, एंड 18th of August को उनके सभी टास्क जो है वो क्लियर हो गए। तो आप देख सकते हो 18th August को यहाँ पे इनका हुआ था, ऑलमोस्ट 6 month हो चुके हैं। ओके, एंड उसके बाद इनको यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, तो 27th July को अप्लाई किया था, 4th August को इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उनके टास्क है, एंड 4th of September को व्हाट्सएप मैसेज आ गया था। व्हाट्सएप मैसेज आता है, आपको पता है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज में आपको बताता है कि आपका ऑफर जो है ऑफर लेटर प्रोसेस किया जा रहा है। उसके बाद 11th of September को इनको ऑफर लेटर आ चुका था, पर 11th of September का ऑफर लेटर आ गया, पर उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं था। आज है यहाँ पे गाइस आप दिसंबर मंथ आ गया है, अब जाके इनको अपडेट आया। 16th September को काउंटडाउन मेल आया, उसके बाद इन्होंने 3rd of December को टिकट रेज की, 4th of December को टिकट क्लोज की। ओके, तो गाइज अगर आप टिकट रेज नहीं करते हो ये पार्ट स्किप कर दो, ये कोई मतलब नहीं है। अगर आप टिकट रेज करते हो नहीं करते हो इससे कोई आपके प्रोसेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमको कुछ अपडेट नहीं आ रहा है तो हम टिकट रेज करेंगे तो कुछ हेल्पफुल होगा, पर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये बॉट रिप्लाई आते हैं सब। ओके, और एसेंचर उस पर ध्यान नहीं देता है, वो अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो है भेजने वाला है। ओके, तो ये टिकट रेज वाला कैंसिल कर देते हैं हम। आप देख सकते हो 15th of December को डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल रिसीव हुआ। ओके, जहां पे उनको फरवरी मंथ की 7th of February की ज्वाइनिंग दी गई, आप देख सकते हो 7th February। ओके, तो 15th December को रिसीव हुआ, एंड इनने इंटरव्यू कब दिया था, 4th of August को। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा टाइम इनको लग गया। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इनको व्हाट्सअप मैसेज भी आ गया था, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको व्हाट्सअप टेक्स्ट आ चुका है। ओके,
कि उन दे आर इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफर लेटर, पर उसके बाद ऑफर लेटर नहीं आया है, और जिसको ऑफर लेटर आ चुका है उसके बाद की कोई अपडेट नहीं आई है। तो सितंबर के बाद आप देख सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल रिसीव हुआ है, एंड 2 महीने आगे की ज्वाइनिंग डेट दी गई है जो कि है फेब्रुवरी मंथ की। ओके, तो इतना ज्यादा जो है प्रोसेस को टाइम लगता है। ओके, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी के लिए मैं जो भी जॉब अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ रेगुलरली, आप उन अपॉर्चुनिटीज को भी देखते रहिए, उनमें भी अप्लाई करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि एसेंचर की रिक्वायरमेंट अगर फुल हो जाती है तो वो हायर ना करे। ओके, तो इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटीज है आप सभी को उसमें अप्लाई करते रहिए रेगुलरली। ओके, उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एसी रोल है या एस एस ए रोल है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अपडेट्स आया है एस ए एस ए रोल कैंडिडेट्स को ही आया है, एएससी रोल कैंडिडेट्स को कोई भी अपडेट नहीं आया है एज ऑफ नाउ। एंड जनवरी के एंड में आप जनवरी एंड की आपको ज्वाइनिंग जो है मिल सकती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, रिजल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आपको आ जाएगा, पर आप सभी से यही कहना है कि आप जो है थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आप पेशेंस तो रख ही रहे, आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, लेकिन अभी जो है ऐसे ऐसे रोल को ज्वाइनिंग मिली है 7th of February की, उसी तरह से एएससी रोल को भी जनवरी एंड की या तो फेब के स्टार्टिंग की आप जो है ज्वाइनिंग आपको देखने मिल सकती है। तब तक के आपको पेशेंस रखना है, काफी ज्यादा यहाँ पे एसेंचर डिले कर रहा है। जैसे कि एसेंचर ने टाइमलाइन दिया था कि 1 month के अंदर ही सब चीज हो जाएंगी, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 7 month लग रहे हैं, उससे ज्यादा भी लग रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखो कि आपको अपडेट आएगा एसेंचर की तरफ से, पर ये कोई फिक्स नहीं है कि कितने जल्दी आएगा कितना लेट आएगा। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करते रहना है अपॉर्चुनिटीज में, एग्जाम देते रहना है, प्रिपेयर करते रहना है, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी रोकनी नहीं है। ओके, तो काफी अच्छे चांसेस है आप सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए, और मैं आप सभी के लिए शेयर तो रेगुलरली करता ही रहता हूँ। ओके, तो जो कि आप सभी के लिए एलिजिबल अपॉर्चुनिटीज है, आप जिसमें एलिजिबल हो उन अपॉर्चुनिटीज में डेफिनेटली अप्लाई करते रहिए, आप सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो डेलॉयट की तरफ से काफी अच्छी हायरिंग आई है, टीसीएस की तरफ से, एचसीएल की तरफ से, कॉग्निजेंट की तरफ से, जिंदल पावर प्लांट की तरफ से। ओके, तो ये सभी अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए मैं पोस्ट करता हूँ, पर आप देख सकते हो अभी ज्यादा चैनल पे व्यूज भी नहीं आ रहे, काफी कम रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आप सभी के लिए रेगुलर और ज्यादा अच्छे से अपडेट्स दे पाऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर। ओके, अपडेट्स वहां पे आपको देखने मिल जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको गाइस वीडियो पसंद आया हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम के चैनल पे आज से मैं जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करने वाला हूँ, जिन अपॉर्चुनिटीज में गाइस जिनके वीडियो नहीं बना पाऊंगा उनके अपॉर्चुनिटीज के वीडियोज नहीं बना पाऊंगा उनकी लिंक में डायरेक्टली आप सभी के लिए शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। ओके, आप सभी के लिए रेगुलरली अपडेट चैनल पर आती रहेंगी, बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। सो गाइस थैंक यू सो मच,